आज है पहला नवरात्रा और नवरात्रों में 9 दिन हमारे पास एक बहुत ही अच्छा टाइम है जिसमें कि हम बहुत आसानी से अपना वेट लूज कर सकते हैं। नवरात्र में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कंटिन्यू फास्टिंग करते हैं, उनको चाहिए यहाँ पर एक ऐसी डाइट जो कि नवरात्रों में फास्टिंग के साथ साथ उनको हेल्दी भी रखे और उनको वेट लूज करने में भी हेल्प करे। तो मैं आज आप सब लोगों के लिए यहाँ पर कुछ ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि वेट लूज करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगी। इसके लिए प्लीज वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखिएगा और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम एक कढ़ाई या फिर पैन और उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून देसी घी। जैसे ही घी गर्म होगा हम इसमें डालेंगे जीरा और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे पीनट्स, मूंगफली, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ 1 टेबल स्पून मूंगफली हम इसमें डालेंगे। इन दोनों को हम यहाँ पर अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे। हमें यहाँ पर जीरे का कलर ब्राउन होने तक भूनना है। इसी के साथ मूंगफलियाँ भी भून कर तैयार हो जाएंगी। जैसे ही जीरा और मूंगफली यहाँ पर भून कर तैयार होंगे हम लेंगे यहाँ पर आलू। मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के आलू हैं, उनको मैंने क्यूब्स में इस तरीके से कट कर लिया है। आलू हम ले लेंगे और डायरेक्ट हम आलू को पैन में डालने के बाद यहाँ पर इसको मिक्स कर देंगे ताकि जीरा और मूंगफली अच्छे तरीके से आलू के साथ मिक्स हो जाए। इनको हमें इसी तरीके से लगभग आधा मिनट के लिए ओपन कुक करना है। और इसी के साथ अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जैसे कि सबसे पहले हम इसमें डालेंगे सेंधा नमक, स्वाद के अनुसार काली मिर्ची पिसी हुई, और इसी के साथ हम यहाँ पर डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। तीनों मसालों को डालने के बाद हम इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और बहुत ही कम समय में हमारी यहाँ पर ये डिनर रेसिपी बनकर तैयार है। और लगभग हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पर ओपन कुक करेंगे। और ये लीजिए, बहुत ही अच्छी डिनर रेसिपी हमारी यहाँ पर बनकर तैयार है। इसको हम लगातार इसी तरीके से 1 से 1.5 मिनट के लिए चलाएंगे। और इसके बाद अब हम लेंगे यहाँ पर हरा धनिया, ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो इस स्टेप को आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। बट जैसा कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, वेट लूज जर्नी पर हैं तो हरे धनिया को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए। हरा धनिया लेंगे और उसको हम यहाँ पर इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखिए, हरा धनिया डालने के बाद ये रेसिपी और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाती है और बहुत ही टेस्टी भी हो जाती है। अब हम इसको यहाँ पर एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये रेसिपी मैंने यहाँ पर 2 लोगों के लिए बनाकर तैयार की है। जो भी रेसिपी मैं यहाँ पर बना रही हूँ ये 2 लोगों के लिए बनाकर तैयार हो रही है। तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा कि आपको कितने पर्सन के लिए ये रेसिपी बनाकर तैयार करनी है। ये लीजिए, पहली डिनर रेसिपी हमारी यहाँ पर मिनटों में बनकर तैयार है। अगर आप नवरात्रों में वेट लूज करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। दूसरी रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 बाउल में 3 मीडियम साइज़ के आलू हैं, उनको मैंने यहाँ पर अच्छे से मैश कर लिया है। और इसी के साथ अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 छोटे चम्मचे सिंघाड़े का आटा। आप इसकी जगह चाहें तो कुटू का आटा भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर सिंघाड़े के आटे का इस्तेमाल किया है। सिंघाड़े के आटे को हम यहाँ पर आलू के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका यहाँ पर एक थिक बैटर बनाकर तैयार करना है। हम इसका बैटर बहुत ज़्यादा लाइट नहीं रखेंगे। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये रेसिपी जो हम यहाँ पर बनाकर तैयार करेंगे बहुत ही अच्छी रेसिपी बनकर तैयार होगी। ये देखिए, 1 छोटा गिलास पानी मैंने इसमें पूरा डाल दिया है और इसकी कंसिस्टेंसी हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर मेंटेन करनी है। इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जैसे कि नमक, काली मिर्चें, और इसी के साथ इसमें जाएगा धनिया पाउडर। इन सभी चीज़ों को यहाँ पर डालने के बाद हम यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मसाले बैटर में अच्छे तरीके से मिक्स ना हो। तो इसके लिए मसालों को अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर दीजिएगा। और इसी के साथ हम लेंगे यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरा धनिया हम इसमें यहाँ पर मिला देंगे और इस बैटर में अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, बैटर हमारा एकदम तैयार है, कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अब हम लेंगे एक पैन, पैन को हम यहाँ पर गर्म करेंगे। जैसे ही पैन गर्म होगा लेडल की हेल्प से हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बैटर यहाँ पर डालना शुरू करेंगे। आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर जो हम सिंघाड़े के आटे का चीला बनाकर तैयार कर रहे हैं ये थोड़ा हमें मोटा ही बनाना है, तभी ये अच्छा बनकर तैयार होगा। बहुत ज़्यादा लाइट नहीं रखेंगे क्योंकि हमने इसमें आलू भी मिक्स किया है। जैसे ही ये एक तरफ से सिककर तैयार होगा हम इसको फ्लिप कर देंगे। ये देखिए, बिना घी और बिना तेल के हमने यहाँ पर मिनटों में सिंघाड़े के आटे का चीला बनाकर तैयार कर दिया है और हमने इसमें बिल्कुल भी ऑयल यूज़ नहीं किया है। जब ये एक तरफ से सिक जाए तो इसको फ्लिप कर दीजिएगा और दोनों तरफ से हमें इसको अच्छे तरीके से सेक लेना है। हम इसको यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर सेक कर तैयार करेंगे ताकि जो चीला है वो अंदर तक अच्छे तरीके से सिक जाए। आप यहाँ पर देख रहे हैं हल्का हल्का ब्राउन होने तक हमें इसे यहाँ पर सेकना है। जब एक तरफ से सिक जाएगा तो इसको वापस से फ्लिप कर दीजिए। और ये लीजिए, मिनटों में हमारा यहाँ पर सिंघाड़े के आटे का चीला बनकर तैयार है। इसी तरीके से सभी चीले आप बनाकर तैयार कर लीजिए
और आपके लिए डिनर का एक सेकंड ऑप्शन यहाँ पर तैयार हो जाता है, जो कि नवरात्रि में आप ले सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है और वेट लूज करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो ये सीख कर तैयार हो चुका है। अब इसी तरीके से बाकी सभी सिंघाड़े के जो हमारे चीले हैं वो हम यहाँ पर सेक कर तैयार कर लेंगे और इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसको हम यहाँ पर सर्व करेंगे हंकर्ड के साथ, यानी कि फैट फ्री दही है। और इसी के साथ मैंने इसमें यहाँ पर मिक्स कर दिया है थोड़ा सा जीरा पाउडर और सेंधा नमक। ये लीजिए, डिनर का सेकंड ऑप्शन भी आपके लिए यहाँ पर तैयार है। अगर आप वेट लूज जर्नी पर हैं और आप चाहते हैं नवरात्रों में आपका वेट लूज हो, तो उसके लिए इन दोनों रेसिपी को आप अपने डिनर में ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और वेट लूज करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगी। आई होप आप लोगों को ये दोनों रेसिपी पसंद आई होंगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।